हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस नए वीडियो के साथ। फिलहाल दोस्तों सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं और अभी हम हैं गांव में। काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है और दोस्तों ये वीडियो हम आप सभी के साथ कुछ उम्मीद के साथ शेयर कर रहे हैं। एक्चुअली कुछ नया करने वाले हैं जिसमें हमें आप सभी की कुछ राय और आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। वैसे दोस्तों गांव में रहने वाला हर वो व्यक्ति आर्थिक समस्याओं का सामना करते हुए अपने जीवन को यापन कर रहा है, जिसमें से एक हम भी हैं। और इस समस्या का समाधान करने के लिए लास्ट अक्टूबर को हम यहाँ से निकले थे कुछ पैसे को कमाने के लिए। हमने सोचा शायद हम इसका समाधान कर लेंगे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि पूरे एक महीने बीत गए और कुछ भी अर्निंग नहीं कर पाए। जो भी अर्निंग हुआ वो सब कुछ इधर उधर घूमने में ख़त्म हो गया और एग्ज़ाम का टाइम आ गया था, इसलिए हम फिर से गांव चले आए और अभी एग्ज़ाम चल रहा है। दोस्तों घर आने के बाद हम एक सेकंड हैंड स्मार्टफोन ले लिए थे जो कि वीवो Y200 था। उसका अनबॉक्सिंग वीडियो हमने बनाया हुआ है, अगर नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि जिस स्मार्टफोन से रिकॉर्ड करना है ये है वीवो Y53S जो कि 4G डिवाइस है और इसके कैमरा और प्रोसेसर को ध्यान में रखते हुए समय के साथ हम अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड करना चाहते थे, चेंज करना चाहते थे। उसके बाद कुछ दिन तक वीवो Y200 स्मार्टफोन को हमने यूज किया, लेकिन हमको उस फोन में काफ़ी सारे डिसएडवांटेज लगे, जैसे कि कैमरा, प्रोसेसर और स्टोरेज लेकर, क्योंकि हम वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं। उससे बेहतर हमारा वीवो Y53S ही था, तो उस स्मार्टफोन का अपने किसी मित्र को दे दिए हैं, वो अभी हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद फिर से हमने एक नया स्मार्टफोन लेने का विचार बनाया। बजट को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे स्मार्टफोन को ढूंढने के बाद हमें वीवो T2 Pro स्मार्टफोन लेने का विचार आया, तो हमने फ्लिपकार्ट पर देखा। एक्चुअल प्राइस उसमें 25,000 दिखा रहा था, यानी कि 24,999, 8GB रैम, 256GB स्टोरेज वाला। स्टेट बैंक तरफ से इंस्टेंट डिस्काउंट 2,000 का मिल रहा था, तो हमको 23,107 रुपये को ये स्मार्टफोन पड़ने वाला था। तो हमने उसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया। लगभग 24 घंटे बीतने वाले थे, उसके बीच में हमारे कुछ मित्र हमसे पूछने लगे कि इस स्मार्टफोन को आप क्यों ले रहे हैं। तो हमने वही पुरानी बातें बताई कि जिस फोन को हम यूज़ कर रहे हैं वो 4G डिवाइस है, थोड़ा बहुत हैंग कर जाता है, हम वीडियो वगैरह बनाते हैं, हमें स्टोरेज और कैमरे की ज़्यादा ज़रूरत है, अच्छा कैमरा चाहिए। तो उन लोगों ने पूछा आखिर आप वीडियो किस प्लेटफॉर्म बनाते हैं। हमने कहा भाई यूट्यूब बनाते हैं। उन्होंने हमारा चैनल वगैरह देखा, कहा भाई व्यू नहीं आ रहे हैं, इससे अर्निंग नहीं हो रही, तो आप इतना पैसा आप यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं। अर्निंग वगैरह अगर आती होती अच्छे से, आप स्मार्टफोन नहीं कैमरा ले लेते। काफ़ी अलग अलग तरीके की बातें हुई, तब लास्ट में विचार यही आएगा आप 22-23 हज़ार रुपये लगा रहे हैं, तो अगर इस पैसे को कहीं ऐसे जगह पर लगाया जाए जहाँ से कुछ इनकम आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मित्र लोगों की बातें हमें काफ़ी अच्छी लगी और उन सभी के बातों से हम संतुष्ट भी हैं। और वाकई में अब आप लोग सपोर्ट तो कर नहीं रहे हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा। कम से कम यही वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हो सकता है यही वीडियो आगे निकल जाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसी समय हमने जो स्मार्टफोन बाय किए थे वीवो T2 Pro उसे हमने कैंसिल कर दिया। एक्चुअली उसका भी जो अमाउंट था 23,000 रुपये हमने कहीं से ले देकर ही किए थे, हमारे पास उतना बजट तो है नहीं। लास्ट में बात यही निकल के आई आप कोई शॉप कर लीजिए, दुकान कर लीजिए। तो उसी दुकान को ओपन करने के लिए भी हमें कुछ आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, जिसके लिए हम अपने बैंक डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और यहाँ पर बारकोड भी लगा रहे हैं। आप चाहें तो जो भी हो सके कुछ ना कुछ डोनेट करेंगे तो हमारी काफ़ी मदद हो जाएगी। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो भी अमाउंट आप हमारे पास भेजेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ पर आप हमें शेयर कर दीजिएगा अपने नाम के साथ। हो सकता है हमारे पास जब भी बजट होगा तो हम आप सभी को चाहे रिटर्न भी कर सकें। दोस्तों शॉप खोलने का समय हम 1 जनवरी तक ले रहे हैं, कोशिश करेंगे 1 जनवरी तक हम ओपन कर सकें, लेकिन किस चीज़ की शॉप होगी और कहाँ पर खुलेगी इसका भी निर्धारित नहीं हो पाया है। ये निर्धारित होगा बजट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमारे जो मित्र लोग हैं जो सलाह दिए हैं वो आपको कैसा लगा। बाकी मिलते हैं फिर से किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।